हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, सभी को राधे राधे। तो इधर मैं जा रही हूँ आज महोत्सव देखने, जो लखनऊ में लगा हुआ है। तो दिखाते हैं आप लोग को क्या महोत्सव लगा है, कहाँ पर लगा है। तो ये देखिए, शहीद पर तो इतना बढ़िया सजा रखे हैं। वो आई थी ना द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति लखनऊ में। तो बाकायदा सजावट की है, पेड़ों की लाइटें, बहुत बढ़िया सजा दिया, एकदम साफ सफाई। तो राष्ट्रपति आई थी तो इसलिए उनके उसमें बहुत सजावट की गई है। आप आगे आप लोग देखना, अभी पेड़ों में कितना बढ़िया लाइटें लगाई गई हैं। लुल्लू मॉल के सामने बहुत बढ़िया, लुल्लू मॉल को भी सजाया गया बहुत अच्छा, ये देखिए। तो लुल्लू मॉल के आगे ही लगा है महोत्सव, यूपी महोत्सव। तो आगे पहुंचकर आप लोगों को दिखाते हैं उसमें क्या क्या लगा है, क्या है, क्या क्या मिल रहा है। तो आगे आप लोग बने रहिए, पूरा ब्लॉग जरूर देखना। तो बच्चे हनी नहीं जा रहा है, मनी और बनी जा रहे हैं, तो इसीलिए गाड़ी में शांति है। तो ये पहुंच गई हूँ मैं, तो ये पहुंच गई अवध यूपी महोत्सव इसका नाम है वहाँ। तो ये लुल्लू मॉल के आगे ही लगा है, शहीद पथ पे ही लगा है। तो यहाँ पर अंदर पार्किंग भी है, गाड़ी पार्क आराम से कर सकते हैं। और ये अंदर एंट्री करने के लिए 40-40 रुपए लग रहे हैं। बच्चों 5 साल के बच्चों तक फ्री है, और फिर बड़े बच्चों का पैसा लग रहा है एंट्री। तो इधर लिखा हुआ है 5 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री फ्री लिखा है। तो ये लिखा है जा सकते हैं बच्चे फ्री। बड़े बच्चों के लग रहे 40 रुपए प्रति टिकट। तो ये टिकट ले रहे हैं यहाँ हम दोनों के, मनी और बनी के नहीं लगे हैं। तो फिर जाएंगे अंदर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं अंदर। हनी तो आए नहीं, बोल रहा था मुझे सर्दी लगती है, मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि उसको टीवी देखनी है, इसलिए नहीं आया। तो यहाँ पर ये देखिए, अंदर आ गई हूँ टिकट जमा करके। तो यहाँ कपड़े, ऊनी कपड़े हैं, कंबल हैं, बेड शीट हैं गरम, झूले हैं बच्चों के, खिलौने हैं। तो ये कंबल देखिए, बेड शीट देखिए, साड़ी हैं, बनारसी साड़ी, कॉटन की बनारसी, ये देखिए। प्राइस भी लिखे हैं, ब्लाउज के पीस हैं, ले लो कॉटन में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर थे, अच्छी अच्छी साड़ी थी कॉटन की बनारसी। फिर इधर देखिए कंबल। तो ये मुझे ये गरम बेडशीट ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आजकल बेड पे गरम बेडशीट बिछाओ तो लेटने में अच्छा लगता है, गरम गरम नीचे रहता है, नहीं तो कॉटन की बेडशीट बहुत ठंडाती हैं। तो ये भी मिल रही थी 350-300 रुपये में गरम बेडशीट। फिर इधर ये देखिए गरम सूट है, मटेरियल जो कपड़े लेके सिला लो, गरम कश्मीरी सूट है, सदरी है जेंट्स लोगों के लिए गरम। तो सूट भी काफी अच्छे अच्छे कलर थे, ये देखिए गरम दिखा रहे थे भैया, काफी अच्छे अच्छे कलर थे इनमें, पार्टी वियर थे, स्टॉल सहित थे जिसमें स्टॉल सेट भी हो। बस मटेरियल था जो सिलवाओ, मुझे तो सिले सिलाई ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सिलाने कौन जाए, तो इसलिए मटेरियल मुझे कम पसंद आता है। जिससे अच्छे तो सिले सिलाई ले लो वो बढ़िया है, पर कलर बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे थे, कपड़ा भी अच्छा था, सब कश्मीर से आए थे, वहीं से लगाए थे अपने अपनी शॉप, तो काफ़ी अच्छे कलर थे। तो महोत्सव में ये सब लगा है, मिल रहा है। बनी को देखो, बनी अपने टॉय के लिए घूम रहे हैं कि मुझे टॉय लेना है, ठंडी की वजह से वो पूरा। फिर इधर ये देखिए स्टॉल गरम, काफ़ी अच्छी थी, गरम थी, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, पर बहुत प्राइस ज़्यादा हाई बता रहे थे। तो
ज़्यादा मुझे सही भी नहीं लगा कि इतने में तो और अच्छी स्टॉल आ जाती है जितने के प्राइस बता रहे हैं। तो इधर फिर देखिए बेड सीट हैं कॉटन की, फिर ये लोग नहीं माने तो ये लकड़ी के टॉय थे, काफ़ी अच्छे थे, मजबूत लग रहे थे, पर बच्चे कहाँ चाहे कितना मजबूत हो, बच्चों को तो चाहे कितना मजबूत ले लो वो भी पटक पटक के तोड़ देते हैं। तो मनी नहीं मान रही कि मुझे ये लेना है वो लेना है, तो इसको ये पेंसिल दिख रही है वो ली इसने, फिर एक बजाने वाली पता नहीं क्या होती है बंसी टाइप की वो खरीदी लकड़ी की। तो बनी कह रहे हमें ये भी लेना है वो भी लेना है, तो बच्चों के काफ़ी अच्छे टॉय थे ये लकड़ी के, छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे थे जो लकड़ी के ही बने हैं। तो आगे और दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिए। फिर इधर कपड़े ज़्यादा थे, ये स्टॉल हैं गरम, ये देखिए गरम स्टॉल, कढ़ाई में सूट हैं, स्टॉल हैं, स्वेटर हैं, सब कुछ थे, और नाइट सूट हैं आजकल उसमें ज़्यादा चल रहे हैं वेलवेट में सूट, वो भी थे जो वेलवेट सूट सेट साइज। ये देखिए ये 1200 का था सेट सहित, प्राइस भी ठीक थे, वेलवेट के तो वैसे भी कपड़े महंगे आते हैं पर सर्दियों में बहुत आराम देते हैं। ये देखिए पार्टी वियर था, कहीं भी आप पहन के जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर भी थे, और यहाँ के लोग तो नहीं थे, बाहर से ही कश्मीर से ही आए थे ये लोग। ये देखिए स्टॉल तो बहुत अच्छी अच्छी थी, कढ़ाई में सूट भी थे। फिर आगे चलते आप लोगों को दिखा, तो आगे आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। काफ़ी बड़ी जगह में लगा हुआ था, एक बहुत सारी गली भी बनाए थे दुकानों की, शॉप बहुत सारी शॉप थी, सबसे ज़्यादा ऊनी ही कपड़े थे वहाँ पर, टॉय भी बच्चों के ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी बहुत दुकानें थी पर सबसे ज़्यादा मुझे कपड़ों की दुकानें लगी वहाँ पर। फिर आगे आप लोग दिखाते, ये देखिए ब्लेजर भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे, ये साड़ी हैं ये भी देखिए। फिर आगे बने रहिए ब्लॉग में, ये लोग टॉय ले लिए तो थोड़ी शांति मिली है, नहीं तो रोना स्टार्ट था इन लोगों का। फिर आगे आप लोग बने रहिए, ये देखो बच्चों के लिए मोजे जूती गरम 30 रुपये हर माल, कोई भी जूती लो कोई भी मोजे लो घर में पहनने के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए तो बने रहिए, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो ये पर्स है हैंड पर्स, तो ये सिर्फ 350-300 रुपये में कोई भी पर्स लें, तो काफी अच्छे अच्छे कलर थे इन पर्स में, पार्टी वियर नॉर्मल हर तरह के थे, काफ़ी अच्छे थे, कलर भी अच्छे अच्छे थे, छोटे बड़े हर साइज के थे पर्स, 350 में कोई भी लें, 350 में सिर्फ। तो ये देखिए काफ़ी सारा स्टॉक था, तो पर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और भी बने रहिए आगे, तो आगे बने रहिए आप लोग दिखाते हैं। ये वाला भैया कैसे दिए, वो वाला कितने, ये वाला कहीं पे कम है, वहाँ पे कम है। कहाँ गए पापा? मामा झूला झूलना है। झूलेंगे कंगन देखेंगे। मिक्की माउस वाले नहीं, मामा मेरी चूड़ी कहाँ है?
मेरी चूड़ी नहीं है। ये हवाई देखो ना कहाँ छे ना भाई। वो ऐसे ही है जान पाँ खड़ी हो जाती है। ये सूज है ये देखिए सर्दियों के लिए सिर्फ 200-200 रुपए में कोई भी लीजिए 200-200 रुपए में। ये देखिए सैंडल सूज स्लीपर कुछ भी लीजिए सिर्फ 200-200 रुपए में। ये देखिए तो यहाँ पे इसके प्राइस तो मुझे ठीक लगे। कोई भी सैंडल लो जूती लो पार्टी वियर सब पार्टी वियर ही लग रही थी। तो कलर भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। जूती तो बहुत प्यारी प्यारी थी जो सूट पे साड़ी पे पहन लें। ये देखिए कढ़ाई में आप लोग दिखाते हैं ये देखिए सिर्फ 200 रुपए में। ये देखिए शादी के लिए काफ़ी अच्छे कलर थे प्यारे प्यारे। कहाँ चलो देख लो। हाँ कैसे दिया भैया इसको कालीन पूछा का है पैरदान वाला कालीन पूछा का ये लंबी वाला। ये अच्छे सामान है लकड़ी के। तो ये लकड़ी का सामान भी था घर के लिए डेकोरेट के लिए काफी अच्छा अच्छा सामान था लकड़ी का सब कुछ ट्रे से लेके घर के लिए पॉट वगैरह लकड़ी के काफ़ी अच्छे अच्छे थे। मुझे तो ट्रे काफ़ी अच्छी लग रही थी छोटी छोटी जो दिल में बनी हुई है। तो लकड़ी का पूरा आइटम था घर के लिए। ये देखिए काफ़ी प्यारी प्यारी लग रही थी पॉट रखने के लिए देखिए स्टूल टाइप में बने। ये देखिए काफ़ी अच्छे थे घर के लिए भी काफ़ी सामान मिल रहा था डेकोरेट करने के लिए पॉट रखने के लिए गुलदस्ता रखने के लिए गमले रखने के लिए स्टैंड लकड़ी के स्टैंड ये देखिए लोहे के स्टैंड सब मिल रहे थे। पॉट तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे बड़े बड़े थे काफ़ी। तो आगे बने रहिए और भी दिखाते हैं आप लोगों को। सीधे चले गए पैरदान कैसे दिए भैया ये। हेलो भैया ये कैसे दिए। ये 200 का है। तो इधर पैरदान भी हर रेट में मिल रहे थे 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए काफी अच्छे अच्छे पैरदान भी थे। फिर इधर बच्चों के लिए झूला काफी सारे झूले थे बड़े छोटे गोल इधर मिक्की माउस वाला बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए काफी झूला थे तो बच्चे आराम से एंजॉय कर सकें। तो काफ़ी अच्छे अच्छे झूला थे सर्कस था ट्रेन वाला आसमानी झूला पता नहीं बहुत सारे झूले थे। तो हनी मनी हनी वो बनी चिल हनी तो आया नहीं मनी वो बनी चिल्ला रहे हैं हमें झूला झूला दो झूला झूला दो। हमें डर जाएगी वो बोल रही थी हमें बड़ा वाला झूलना है। अब बड़े वाले में हम लोग तो डरते हैं हमें तो झूलना नहीं है इसको झूलना है बोल रही थी मैं अकेले कैसे बिठा लूँ उसको। फिर ट्रेन वाला झुलाया था तो झूला उला झुलाया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे वो कह रहा हमें ये झूलना। छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले के प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा रखे थे ये लोग पर ठीक थे काफ़ी इन्जॉय करने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया झूला थे इन्जॉय कर सकें आराम से बच्चे। फिर इधर झूला उला झुला के चल दिए हैं
पर और बने रहिए आगे, और भी दिखाते हैं आप लोगों को और क्या क्या है। हाँ चल रहे, गली में था, किस गली में था वो? उस गली में था। हाँ इस गली में भी, और देख ले पूछ ले। वो पूछे आप। तो इधर ये देखिए ड्राई फ्रूट हैं सब। मुझे गोंद ज्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ की, तो इन्हें गोंद कह रहे थे गोंद ले लो, ये गोंद ऐसी मिलती नहीं है कहीं भी, बाहर भी मिलती है दुकानों पे, वो थोड़ी अलग मिलती है, पता नहीं हर तरह की वैरायटी की गोंद भी आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी क्वालिटी इसकी गोंद की। तो किशमिश थी, काजू थी, काजू थे और बादाम थे, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट थे जो होते हैं ये बाहर से आए थे यहाँ पे लगाने। तो प्राइस भी ठीक थे, पर हमें सबसे अच्छी यहाँ की गोंद लगी है, जो मिलती नहीं ऐसी, खासकर मिलती नहीं है बाहर। तो इन्हें गोंद काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी, तो उन्होंने गोंद को ख़रीदा। काजू तो हर जगह मिल जाते, वही रेट थे। तो बादाम के भी वही रेट थे, तो बादाम भी अलग अलग रेट की थी, किशमिश भी अलग अलग रेट की थी, बस हमें गोंद ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की। यहाँ की फिर ले लिया सब कुछ, चल दिए घर। तो वीडियो अच्छा लगे गाइस, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो इधर ये देखिए जा रहे हैं, बाहर से नजारा कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल रोड पर ही लगा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है।